हाँ तो भाई फाइनली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं करना है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे 2-3 महीना पहले ही बोला था कि यूट्यूब का एक नया अपडेट आ गया है जहां पर अब सिर्फ आप 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटा वॉच टाइम पूरा करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फाइनली दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये चीज अब यूट्यूब पे लागू हो गया है, 3 सप्ताह पहले ही लागू हो गया है। क्या आपको ये चीज पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, ये 3 सप्ताह पहले ही यूट्यूब पे लागू हो चुका है। अब आप सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर लोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे ही आपका ये दोनों क्राइटेरिया पूरा होगा, ठीक है, कभी ना कभी तो होगा ही, हो सकता है बहुत कोई को हो गया होगा, बहुत कोई को होने वाला है, तो कभी ना कभी होगा, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब ये दोनों आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करोगे, ये प्रोसेस मैं सिखाऊंगा आपको। सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देख के रखना है ताकि जब भी पूरा हो उस टाइम आप आराम से कर लो, अदरवाइज क्या होगा पता नहीं रहेगा, फिर इधर उधर फोन घुमाओगे, इसके पास उसके पास, नहीं हो रहा करके कुछ मिस्टेक कर दोगे। तो वीडियो को पूरा देख लो ताकि सीख के रखो, फिर जब आपका पूरा होगा आप कंप्लीट, उस टाइम आप अपने चैनल को इसी प्रकार से मोनेटाइज कर लेना। चलिए पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखते रहना एंड तक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा कि ये 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम वाला जो क्राइटेरिया है ये अप्लाई यूट्यूब पे हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ देखने के लिए आप अपने चैनल को खोलो जैसा कि मैंने खोल के रखा है YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे, और यहाँ पर अर्न वाले टैब पे क्लिक करो। ठीक है, अर्न वाले टैब पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी पे लिखा हुआ है 500 सब्सक्राइबर्स करना है जिसमें कि 425 सब्सक्राइबर्स इस वाले चैनल पर कंप्लीट है, मैंने एक चैनल खोला हुआ है। ठीक है, और दोस्तों आपको 90 दिन के अंदर में 3 वीडियो अपलोड होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 0 है क्योंकि मैंने इस पे एक भी वीडियो 90 दिन में अपलोड नहीं किया इस वाले चैनल पर, तो 3 वीडियो होना चाहिए जो कि आराम से आप 3 वीडियो कोई भी वीडियो डाल देना चैनल पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 365 डेज में कितना वॉच टाइम चाहिए, ओनली 3000 आपको लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है। 3000 में मेरा 0 है क्योंकि मैं इस वाले चैनल पर काम नहीं करता, मैं जस्ट दिखाने के लिए खोल रहा हूँ। और या फिर आप 3 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज लेके आओ जिसमें कि देखिए 142 शॉर्ट्स व्यूज हो चुका है, 3000 घंटा वॉच टाइम करने से भी हो जाएगा, या पर 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज 90 डेज में करने से भी हो जाएगा। तो ये नया वाला अपडेट देखें यहाँ पर लागू हो चुका है, इसी चीज को मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया। अब जब आपका ये दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगा, अब इसके बाद चैनल को कैसे मोनेटाइज करोगे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आपका ये दोनों क्राइटेरिया पूरा हो जाता है उसके बाद क्या है कि आपके YT स्टूडियो पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर आपका दोनों कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाई नाउ का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली क्या करना है अप्लाई नाउ के ऊपर में बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों आपको सबसे पहले रिव्यू बेस्ड टर्म्स का ऑप्शन आएगा, रिव्यू बेस्ड टर्म्स। अब इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर में क्लिक करके इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना, जो भी बेस्ड टर्म्स है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे, तो यहां पर सिंपली आपको स्टार्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऊपर में जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों दूसरा नंबर पर आएगा साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यहां पर आपको इन प्रोग्रेस लिखा हुआ दिखा रहा है क्योंकि गूगल एडसेंस को मैंने साइन अप कर लिया। यहां पर आपको फिर से स्टार्ट वाला ही बटन दिखेगा, ठीक है, स्टार्ट वाला बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करना। उसके बाद आपको एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक से एडसेंस पे रिडायरेक्ट होगा। फिर आपको वहां पर ईमेल वगैरह देने के बाद आपको एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये रिडायरेक्ट होकर के फिर से YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे आ जाएगा और ये इन प्रोग्रेस लिखा हुआ दिखाएगा जैसे कि मेरे यहां पर दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि आपका चैनल चला जाएगा रिव्यू पे। ठीक है, अब YouTube आपके चैनल को रिव्यू करेगा, रिव्यू पे अगर YouTube चैनल आपका परफेक्ट है, किसी का आपने अदर किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, आपने एक अच्छा तरीके से कंटेंट अपलोड किया है, अच्छा वीडियो डाला हुआ है, तो YouTube आपके चैनल को फिर रिव्यू करता है। उसके बाद जो थर्ड वाला प्रोसेस दिख रहा है गेट रिव्यूड, ये वाला आपका क्लीन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक आ जाएगा दोनों में और आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। ऐसा होता है चीज, ठीक है, पहले गूगल एडसेंस बेस्ट टर्म्स को पहले एक्सेप्ट करना, फिर गूगल एडसेंस होगा, फिर रिव्यू पे जाएगा और फिर आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। अब मोनेटाइज होने के बाद देखिए अब क्या करना है। ठीक है, अभी मोनेटाइज आपका हुआ नहीं है, अभी सिर्फ आपका चैनल एडसेंस के साथ लिंक हुआ। अब क्या होगा कि आप जैसे फिर YT वाला यहां पर जाओगे अर्न वाले टैब पर, तो आपको देखिए यहां पर अर्न वाले टैब पे जैसे जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, वॉच पेज एड्स, दूसरा आएगा शॉर्ट्स फीड एड्स और मेंबरशिप और सुपर्स, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जो पहला है वॉच पेज एड्स, इसमें व्यू एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप इनेबल अभी नहीं कर पाओगे। वॉच पेज एड्स का मतलब होता है इन स्ट्रीम एड, जैसे कि मेरे वीडियो का आपने प्ले किया तो इसके बबल एड जो एड आया स्टार्टिंग में वीडियो पे उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड, इसी को बोलते हैं वॉच पेज एड। तो ये वॉच पेज एड को आप इनेबल नहीं कर पाओगे, इसको करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना होगा तो ही होगा। मतलब 500 आपने तो कर लिया है और 3000 कर लिया है, फिर जब इसमें आप और 500 कर लोगे और फिर इसमें 1000 और कर लोगे तो ये हो जाएगा दोनों पूरा, फिर ये ऐड हो जाएगा। मतलब फिर से मतलब पूरा नहीं करना है, ये दोनों तो आपको हो चुका है, अब इतना फिर से आप जैसे ही कर लोगे तो ये दोनों पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप वॉच पेज ऐड वाला को जो है कर पाओगे मोनेटाइज, मतलब इन स्ट्रीम ऐड चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो आ रहा है शॉर्ट फीड एड्स, इसको भी आप 1000 और 4000 होने के बाद ही कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों जो थर्ड में है मेंबरशिप, इसको आप
तुरंत कर पाओगे। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स 3000 वॉच टाइम होने के बाद ही आपका मेंबर्स वाला जो है मेंबरशिप, इसको आप इनेबल कर पाओगे। जस्ट आपको सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर में क्लिक करके इसको इनेबल करना है। चैनल मेंबरशिप कैसे इनेबल करते हैं आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। गेट स्टार्टेड क्लिक करना, आपका जो भी प्रोसेस आएगा आप आराम से मेंबरशिप इनेबल हो जाएगा। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि आपके चैनल पर ज्वाइन बटन आ जाएगा, आपके चैनल को कोई ज्वाइन करके आपको मंथली एक पैकेज आता है, ठीक है। जैसे आप सेट करके रखोगे 199 अगर आपने रखा तो पर महीना जो भी आपका सब्सक्रिप्शन लेगा, जो मेंबर बनेगा आपके चैनल का, उसको पर महीना 200 उसके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कटता रहेगा, आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड होता रहेगा। तो ये है मेंबरशिप, ये आपका 500 और 3000 पे ही आपका इनेबल हो जाएगा। और दूसरा चीज एक और हो जाएगा, वो है सुपर्स। सुपर्स वाला जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सुपर्स वाला भी इनेबल हो जाएगा। इसमें भी गेट स्टार्टेड करके सुपर्स को भी आपको इनेबल करना है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप कोई वीडियो डालोगे तो देखिए सुपर थैंक्स वाला एक जो है ना आपको बटन दिख रहा है मेरे वीडियो के नीचे, वहां पर क्लिक करके आपको कोई भी एज ए डोनेशन आपको गिफ्ट कर सकता है पैसा, ठीक है। कोई 50 करता है, 100 करता है, 500, 1000 जितना चाहे उतना आपको डोनेट कर सकता है। तो ये सुपर्स भी इनेबल हो जाएगा ये दो चीज होने से ही। तो ये दो चीज आपका इनेबल हो जाएगा, मेंबर्स और सुपर्स, ये दो चीज। और वॉच पेज ऐड और शॉर्ट फीड ऐड आपको इनेबल करने के लिए दोनों कंप्लीट करना ही होगा, तो ही होगा। तो दोस्तों मैंने सिखा दिया आप लोगों को कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज करोगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ सीखने को जानने को मिल गया है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।